नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए कमाल धमाल बेमिसाल वीडियो में। मेरा नाम है अतुल, आप देख रहे हैं टेक्निकल फेस्ट्रैक रिफ्लेक्स चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप कौन सा ब्लैंड लें, जो कि मतलब अगर मैं बात करता हूँ कि प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों ही बैंड के, जो कि है आपका फास्ट्रैक रिफ्लेक्स वेव और दूसरी तरफ आपका जो है ऑनर बैंड 4। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास दोनों में से कोई सा भी बैंड अवेलेबल नहीं है फिलहाल। बट दोस्तों, अगर आपको सिर्फ ये जानना है कि आपको कौन सा लेना चाहिए, आपके लिए कौन सा बेटर होगा, कौन सा आपका ज़्यादा फीचर लेके आता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं और फिर ये आपके लिए यूज़फुल भी हो सकती है। बट दोस्तों, अगर आप उसको देखना चाहते हैं बैंड्स को, तो आपको यूट्यूब पर काफ़ी सारी अनबॉक्सिंग वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी, रिव्यू वीडियोज़ भी देखने को मिल जाएंगी, तो जहाँ जाके आप दोनों की रिव्यूज़ देख सकते हैं, दोनों को देख सकते हैं। बट वहाँ आपको कंपेरिजन नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो आप फिर अच्छी बात है, आपको जहां अच्छी मिले वहां आप देख सकते हैं। बट दोस्तों, अगर आपको जानना है कि आपके लिए कौन सा बेटर होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आइए करते हैं प्रारंभ। सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं दोनों की प्राइसिंग की, क्योंकि प्राइसिंग एक मेन फैक्टर है जो कि डिवाइड करता है किसी चीज को, किसी बैंड को, तो अगर मैं प्राइसिंग की बात करता हूं, तो प्राइसिंग में आपको डबल का डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी तकरीबन 5000 में आपको फास्ट्रैक रिफ्लेक्स वेव देखने को मिलता है, और वहीं दूसरी तरफ आपका 2600 के आसपास देखने को मिलता है आपका ऑनर का बैंड 4। तो बैंड 4 मैं बोलने वाला हूं, आप समझ जाइएगा, और उस तरफ मैं वेव बोलने वाला हूं। तो अगर मैं अब बात करता हूं सिमिलैरिटी की, तो सिमिलैरिटी दोनों में ये है कि आपको उसमें भी अच्छे खासे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे, यानी अगर आपका व्हाट्सएप मैसेज है, एसएमएस है, या कोई और सभी नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पे आता है, तो आप इजीली उसको ट्रैक कर पाएंगे। और फिर अगर मैं बात करता हूँ उसमें और सारे बेसिक चीज़ की, तो आपको उसमें मिल जाएगा कैलरी, दोनों में ही आपको कैलरी ट्रैकर मिल जाएगा, आपकी स्लीप मॉनिटरिंग देखने को मिल जाएगी, उसके बाद स्टेप ट्रैकर देखने को मिल जाएगा, और फिर एक्टिविटी अलार्म वगैरह, ये सब बेसिक सी चीज़ें आपको दोनों में ही मिल जाएंगी। प्लस पॉइंट अगर मैं बात करता हूँ प्लस पॉइंट की, तो प्लस पॉइंट सबसे पहला प्लस पॉइंट अगर मैं बात करता हूँ आपके वेब की, तो वो उस वेब की प्लस पॉइंट ये है कि आप उसको एज अ रिमोट यूज़ कर सकते हैं। हालांकि आपको ऑनर बैंड 4 में भी कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, बट वो लिमिटेड हैं इन कंपेरिजन टू आपके फास्ट्रैक रिफ्लेक्स वेब के। तो वेब में आपको कई सारे ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे जिससे आप इजिली अपने बैंड को एक रिमोट के जरिए यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर आप चाहते हैं अपनी वीडियो को पॉज करना, अपनी वीडियो को चलाना, अपने कैमरा को चलाना, फोटोज़ क्लिक करना, उसके बाद अगर आप बड़ी स्क्रीन यूज कर सकते हैं, अगर आप करते हैं, तो एज अ उसको रिमोट आप फंक्शनैलिटी, अगर कोई प्रेजेंटेशन शो करना हो, तो आप उससे ट्रैक करा सकते हैं, उससे वर्क कर सकते हैं, और फिर उससे आप इजीली कोई भी चीज़ ओपन कर सकते हैं। तो एज अ रिमोट फंक्शन आपका मेनली करने वाला है ज़्यादा, और फिर ऐसे कुछ फ्लैट्स एडेड फीचर उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। और ऑनर बैंड 4 की मैं बात करता हूं, तो उसमें आपको कई सारे एक्टिविटी मोड्स देखने को मिलते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा सस्ता आपको देखने को मिलता है। हाँ, और दोनों ही आपको मिल जाएंगे वाटरप्रूफ। और अगर बैटरी बैकअप की मैं बात करता हूँ, तो आपको 10-14 डेज आपके ऑनर बैंड 4 में देखने को मिल जाएगी बैटरी बैकअप। और अगर मैं बात करता हूँ आपके वेब की, तो आपको 15 डेज के अबाउट बैटरी बैकअप आपके वेब में भी देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों, जो एक नेक्स्ट चीज़ आती है कि क्या दोनों में से कौन सा लेना बेटर है, तो दोनों में से अगर मैं बताऊँ कि अगर आपको चाहिए एक हार्ट रेट सेंसर, एक ओवरऑल एक गुड पैकेज विद गुड बैटरी बैकअप, डिफरेंट एक्टिविटी मोड्स जिसमें आपका स्विमिंग कर सकते हैं आप, जिसमें आपका इवेंट ट्रैक करेगा कितनी डिस्टेंस आप स्विम कर रहे हैं, आप कौन सी स्टाइल है, बटरफ्लाई है, बटर स्ट्रोक है, पता नहीं क्या क्या, तो मतलब जो कुछ होता है उस सबको ट्रैक कर लेगा। हालांकि मैंने कभी स्विमिंग की नहीं है, सो आई डोंट नो जो कुछ था। तो अगर मैं बात करता हूँ आप हार्ट रेट सेंसर की, तो हार्ट रेट सेंसर आपको इसमें देखने को मिल जाता है ऑनर बैंड 4 में। और फिर जो नेक्स्ट चीज़ आती है आपका क्या, फास्ट्रैक का रिफ्लेक्स वेव, उसमें आपको हार्ट रेट सेंसर नहीं मिलता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको एक ऐसा बैंड चाहिए जिससे आप अपनी हार्ट बीट को ईजिली देख सकते हैं, ईजिली आप उसको काउंट कर सकते हैं, तो दोस्तों आप बेशक जाइए अपने ऑनर के बैंड 4 के लिए। हालांकि दोस्तों, आपको मेरे चैनल पे और वीडियोस देखने को मिल जाएंगी जो कि ऑनर बैंक के बैंड 4 को कंपेयर करती है आपके MI के बैंड 3 से भी, तो आप वो भी कंपैरिजन वीडियो देख सकते हैं, और वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो अब कम टू द पॉइंट, अगर मैं बात करता हूँ ओवरऑल कौन सा आपको खरीदना चाहिए, तो दोस्तों मर्जी आपकी है, क्योंकि अगर आप 5000 का कोई बैंड पहनते हैं, तो इवन आप कह सकते हैं हाँ मैंने 5000 का पहना है, तो सिंबल ऑफ स्टेटस एज अ सिंबल ऑफ स्टेटस यूज़ कर सकते हैं। वरना फिर आप अगर एक बस्टर्ड में काफ़ी अच्छा बैंड लेना चाहते हैं, जिसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, और इवन आपका कलरफुल डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है, वाटरप्रूफ भी मिल जाता है, तो मच बेटर है आपका ऑनर बैंड 4 ले लीजिए। तो बस दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। तो दोस्तों, आ गया वीडियो समाप्त करने का समय, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, क्योंकि TF रेंजर्स अभी कम हैं। तो दोस्तों, मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए।